नमस्कार, शाम के लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आपसे बात हुई थी कि 10 मई को हम एक क्वेश्चन आंसर का लाइव प्रोग्राम रखेंगे। मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नेचुरोपैथी के रिगार्डिंग, मेडिटेशन के रिगार्डिंग, डाइट के रिगार्डिंग और योग के रिगार्डिंग, जिस पर हमने सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पर स्टडी की है वो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप चाहें तो अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और कुछ प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं जिनको मैं बताना शुरू करती हूँ और इस पे आप टाइप कर दें तो हमें दिखता जाएगा और हम उनके आंसर्स देते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर नीरज जी ने मेरे से किया कि मैं पढ़ देती हूँ इसको, फिर मैं इसका आंसर अपने परसेप्शन के हिसाब से देती हूँ। आधुनिक जीवन शैली व आधुनिक पढ़ाई जिसमें डिग्री सर्टिफिकेट ज़्यादा मायने रखती है को अपना कर हम सभी ने जल, हवा, मिट्टी को प्रदूषित कर दिया है। पंच तत्व अगर प्रदूषित हो जाएंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा से रोगों का इलाज क्या संभव हो पाएगा? तो क्यों ना इसके समाधान के लिए सभी को प्राकृतिक चिकित्सक बना दें, अपने डॉक्टर स्वयं बने, जहाँ बीमारियाँ व उनके दवाओं और डॉक्टरों से छुटकारा संभव हो सके। यह विद्या सीखने के बाद जब वह अनुभव करेंगे कि बिना दवाओं के भी स्वस्थ रहा जा सकता है, हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है, तो सभी लोग प्रकृति को बचाने के लिए काम करने लगेंगे। फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि पंचभूत प्रदूषित हो। नीरज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है, पर ये जनता जनार्दन है। जैसे मैं फेसबुक पे लाइव आती हूँ तो ये पब्लिक की इच्छा है कि वो कितना मुझे सुनती है, कितना प्राकृतिक चिकित्सा को समझती है, अडॉप्ट करती है, कितना योग को अडॉप्ट करती है। तो यह उनके ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि वह मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट देखते हुए भी डेली मेडिसिन के पीछे भाग रहे हैं। आज कोरोना जैसी प्रॉब्लम के लिए जब सारे लोग शून्य पे हैं, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो अगेन हर दिन न्यूज़पेपर में एक नया रिसर्च और एक चीज़ आती है कि इनको योग कराया जा रहा है, इनको ओम की चैंटिंग कराई जा रही है, इनको योग निद्रा के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे में हमको और आपको कुछ करना नहीं है जब तक उधर से आवाज़ ना आने लग जाए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भुगत करके, परेशान हो करके, फेडअप हो करके आवाज़ करते हैं, तो ऐसा ही पिछले 300 सालों से लगभग चला आ रहा है। और मेडिसिन ने इतना ज़्यादा डर बना दिया है सबके अंदर कि पंच महाभूत और अपने ऊपर से विश्वास पूरी तरह हट चुका है। हमने अपने शरीर को इतना टॉक्सिन से भर दिया है कि हमारे अंदर वाइटल पावर ख़त्म हो गई है। तो उनकी तरफ से आवाज़ आएगी तो ज़्यादा अच्छा है कि हाँ, हमें प्राकृतिक चिकित्सक बनना है। दूसरी बात है कि हर किसी को प्राकृतिक चिकित्सा सिखा दी जाए, बिल्कुल एग्री हैं हम, हर किसी को प्राकृतिक चिकित्सा सीखनी चाहिए। मूलभूत सिद्धांत तो पता ही होने चाहिए जिससे वो अपना और अपने घर का अच्छे से परवरिश कर सके और स्वस्थ लाभ लेते हुए जीवन बिता सके। तीसरी बात है कि सबको डॉक्टर बना दिया जाए। हमारा काम है फर्स्ट लेवल पे प्रायोरिटी वाइज चीज़ को सिखाना। अगर हम सबको डॉक्टर बना देंगे, सबको डॉक्टर बनने की तथा है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक पैशन है, अंतर मन से आता है और ये प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पर बताते हैं हम कि धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश को अगर आप बीमार हो जाएं तो थेरेप्यूटिकली किस तरह से अपने शरीर पर लें। मुझे नहीं लगता कि हर कोई व्यक्ति इतनी समझ रखेगा, क्योंकि इसके लिए आपको ध्यान की ज़रूरत है, शिद्दत की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टडी की भी ज़रूरत है, बहुत सारे इंट्यूशन और इंटेंस की ज़रूरत है। तो ये बात तो तय है कि सबको डिप्लोमा या फर्स्ट एक होता है ना, ABCD जैसे पढ़ाई जाती है कि इतना बेसिक आपको अपनी बॉडी के बारे में जानना ज़रूरी है, इतना योग का कोर्स कंपलसरी कर दिया गया कि इतना आपको करना सीख पाएगा कि उससे वो खुद ही हमारे से अवेयर हों और जाने कि नेचुरोपैथी हमें करनी है। आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू, जितना मैं समझती हूँ। ऋतु जी का एक क्वेश्चन था कि मिल्क
मुझे सूट नहीं करता, मिल्क की सब्स्टिट्यूट के तौर पे क्या ले सकते हैं? मिल्क जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मिल्क हमारी बॉडी में अच्छा प्रोटीन और अच्छा कैल्शियम का सोर्स है और हमारी बॉडी को बनाता है। दूध इस समय बहुत अच्छा नहीं आ रहा, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, और इस वजह से सारे एनिमल्स पे ज़बरदस्त प्रेशर है, उनको इंजेक्शन दे करके, बहुत सारी दवाएं दे करके, उनका पस तक निकल रहा है, उसमें मिक्स हो रहा है, और बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स और ये सब है। तो इसलिए दूध को ना ही रिकमेंड करती हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा उसके पीछे कीन होना चाहिए। 250 ml मिल्क में 300 mg कैल्शियम होता है, जो कि अगर आप एक बाउल स्प्राउट लेते हैं, अंकुरित मूंग और चना लेते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको उसमें कैल्शियम भी मिल जाता है और प्रोटीन भी बहुत अच्छा है उसका। तो इसलिए उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो आपने पूछा है, तो अंकुरित अनाज सबसे बेहतर साबित होगा और वो आपको लेना ही चाहिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बाहर आंधी आ गई है और वाईफाई से हमारा फ़ोन कनेक्ट था वो चला गया है, बट स्टिल आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं और हम आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं लगातार। तो एक नहीं चाहिए आदिया, प्लीज़। तो मिल्क की जगह पे जो सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो स्प्राउट्स हो सकते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट को थेरेप्यूटिकली यूज़ करना चाहिए। जहाँ पर कोई चीज़ बनाई गई है कि हाँ दूध के प्रोडक्ट से इसका इलाज होता है, तो वो इलाज के तौर पर दूध और दूध की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, बस उतना ही इस्तेमाल किया जाए जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत राय भी है, और उसके एवज में जितना दूध ज़रूरी है उसके एवज में मैंने बताया कि आपको ये ले लेना चाहिए। फिर है, व्हाट डाइट शुड हैव इन दीज डेज, आजकल के दिनों में आप क्या डाइट लेंगे? देखिए, एक डाइट प्लान भी मैंने बनाया है, क्योंकि एक क्वेश्चन और था कि हम अपने शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति कैसे करें, कि हम सही अमाउंट में कैल्शियम ले सकें। लेकिन जनरली जब हम नेचुरोपैथ कोई भी एक डाइट प्लान लिखते हैं तो बड़ी विडंबना है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, या उतना करेंगे नहीं आप, या उसमें से कम लेंगे, तो होगा क्या कि आप न्यूट्रिशन से कम रह जाएंगे। अगर जितना मैं लिखती हूँ, आप चाहें तो कॉपी पेन उठा लें और उसको नोट डाउन भी कर लें, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में लिया जाए तो बेशक आपकी कैल्शियम की नीड, प्रोटीन की नीड, कार्बोहाइड्रेट की नीड पूरी होती है। और जो छोटी छोटी चीज़ें रोज़ व्हाट्सएप पर आती हैं, मैं उन्हें कभी फॉरवर्ड नहीं करती, क्योंकि चूना इससे मिल जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्यों करना है? प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हैं, प्रकृति ने जैसा दिया है वैसा अडॉप्ट कीजिए, प्रकृति ही अडॉप्ट कीजिए, मतलब एक्सेप्ट कीजिए, अपने शरीर में एब्जॉर्ब होने दीजिए और सारी चीजें आपका शरीर खुद बनाएगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि आपके पैरामीटर्स पे हम कैसे खरे उतरे, हमें जो कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है हम कैसे बताएं कि चूने का पानी ऐसे ना बनाएं, अननेसेसरी, बहुत है तो एक पान ज़रूर खा सकते हैं, वो रिकमेंडेड है। बाकी जो नेचुरोपैथी डाइट मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ उसको आज मैंने कैलकुलेट किया है, और उसमें नॉर्मल हेल्दी पर्सन को 1000 mg कैल्शियम वाइड है एक दिन के लिए, और प्रेग्नेंट कैसे चेक कर लूँ? थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे नेचुरोपैथी डाइट प्लान की, जिसको मैं रिकमेंड करती हूँ और बहुत फ्रिक्वेंटली और हर पेशेंट को समझाती हूँ, उम्र के हिसाब से और स्वाद के हिसाब से, उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से ज़रूर ये चीज़ें बदल सकती हैं, पर बेसिक पैरामीटर ऐसे ही होते हैं।
हम 250 ग्राम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात कर रहे थे जिसमें लगभग 150 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पूरा होता है। फिर हम बात करते हैं कि हम ड्राई फ्रूट्स लिखते हैं, हमेशा रिकमेंड करते हैं, या मुनक्के हैं, या किशमिश है भीगी हुई, या आपके फिक्स हैं, अंजीर हैं, जैसे जिसका परेशानी है और जैसे जिसकी उम्र है, और खजूर है, खुबानी है, इस तरह के जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें कम या ज़्यादा जो मेरी स्टडी कहती है वो मैं अगर 4 खजूर दिन भर में कहती हूँ, 2 से 3 फिक्स कहती हूँ, रात में धोकर भिगो दें, सुबह खाएं, तो ये 100 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और इनके साथ अगर आप लेते हैं 5 से 7 एलिमेंट, 7 एलिमेंट्स अगर लेते हैं भीगे हुए, तो ये 100 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब हम ये तो सुबह सुबह हो गया, जब हम हमेशा कहते हैं कि भीगे हुए ड्राई फ्रूट सबसे अच्छा हेल्दी होता है, उसमें जो पानी आ गया धो करके भिगोया उसको भी हमने पी लिया, और उसके बाद जो नाश्ते में हम कहते हैं वो स्प्राउट्स खाने को कहते हैं एक कटोरी, जो कि आपका मिल्क का सब्स्टिट्यूट मैंने बताया। हालांकि इसका प्रोटीन रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, डाइजेस्टिव है, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप 50 ग्राम खाएंगे तो 12 या 15 मिलीग्राम ही आपको कैल्शियम मिलेगा, बट इसका प्रोटीन बहुत अच्छा है, तो दूध से भी अच्छा है। तो इसको हम रिकमेंड करते हैं। आपने स्प्राउट्स खाए, स्प्राउट्स में सारी वेजिटेबल्स आपने रॉ डाली, फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप सुबह फ्रूट्स खाएं। सुबह 250 ग्राम फ्रूट्स रिकमेंड करते हैं, शाम को 250 ग्राम सीजनल फ्रूट्स रिकमेंड करते हैं। सुबह जब हम 250 ग्राम फ्रूट रिकमेंड करते हैं तो मान लीजिए आपने 2 संतरे खाए, तो 2 संतरे में आपको पता है 150 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिल रहा है। अगर आप उसको एक ही फांक खाएंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आपका प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशनल काउंट इसीलिए कम होता है और टैबलेट खाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। तो आप पहले बेसिक देखें कि आपकी बॉडी की नीड क्या है और आपको इसको कैसे करना है। फिर उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं एक टाइम, दो समय पे हम हमेशा फ्रूट रिकमेंड करते हैं, या जूस ले लिया जाए शाम को और सूप निकाला जाए, या सुबह को 250 ग्राम फल लिए जाएं। सेब, पपीता, अंगूर, अमरूद, इनमें से कोई भी 250 ग्राम फल लेते हैं तो ऑन एन एवरेज फिर से 150 मिलीग्राम कैल्शियम आपकी बॉडी को मिलता है। 2 चपाती, अगर सब्जी मैंने बता दी, अगर आप 2 चपाती खाते हैं और 30-30 ग्राम की एक चपाती होती है, मान लीजिए 2 खाते हैं मल्टीग्रेन की चपाती, तो आपकी 136 ग्राम की लगभग चपाती 100 मिलीग्राम के कैल्शियम को रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो 100 मिलीग्राम कैल्शियम आपको यहाँ पे मिल गया। फिर हम रिकमेंड करते हैं कि एक कटोरी दलिया ज़रूर खाया जाए, क्योंकि उसमें जो फाइबर है, जो रफेज है आपकी आंतों के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, और उसमें 25 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम होता है। वो रात में हम रिकमेंड करते हैं कि एक कटोरी दलिया आप सब्जी के साथ ज़रूर खाएं। अब बात आती है कि डेली आपकी डाइट में सलाद ज़रूर होना चाहिए। अगर आप एक प्लेट सलाद सुबह और एक प्लेट सलाद शाम को खाने के साथ आप अगर ऐड करते हैं, या बीच के फ्रिक्वेंट मील्स में आप इसको लेते हैं, तो 100 मिलीग्राम कैल्शियम आपको यहाँ से मिलता है। बाकी जो मटर हैं, ग्रीन पीस हैं, बीन्स हैं, इन सब में आप जानते हैं कि थोड़ा अतिरिक्त कैल्शियम ही होता है। और अगर मैं डाइट प्लान लिखती हूँ तो इन सब के बावजूद मैं, आपने देखा ये पूरे दिन का ये डाइट प्लान काफ़ी है, इसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और इसको बदलना क्या है कि हम तो रोज़ बोर हो जाते हैं, तो बदलना ये हो सकता है कि आप आज आपने डेट्स खाए, खजूर खाए, कल अंजीर खाए, परसों खुबानी खाया, परसों उसके बाद हर दिन आपने अपने हिसाब से जो रेजिन्स की क्वालिटी थी वो चेंज कर दी। फिर बोर हो जाते हैं तो स्प्राउट्स के फॉर्म को बोरियत से हटा दीजिए, कभी आपने मूंग अंकुरित कर ली, कभी चना अंकुरित कर लिया, कभी दोनों को मिला लिया, कभी सिर्फ उबाल लिया, अच्छी प्रोटीन के लिए बॉईल कर लिया। फिर बोरियत की चीज़ें दूर करने के लिए हर तरह की वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं, हर दिन दूसरी बदल के वेजिटेबल बना लीजिए, वो एकदम डिफरेंट हो गई। जो आपके पास एकदम ठेले पे अवेलेबल सब्जी है उसी को खाएं, उसी को प्रायोरिटी दें।
थोड़ी देर उसको पहले ही नमक के पानी में डाल दें, फिर उसको एक बार धो करके सुकून से उसको बना लें अच्छी भावना के साथ, और बिना बहुत ज़्यादा डीप फ्राई किए उसे खा लें। और कोई सवाल हो इसमें, अगर कैल्शियम से रिलेटेड, आपके डाइट प्लान से रिलेटेड कि आपको क्या खाना चाहिए आजकल, वो आप पूछ सकते हैं। ये आई थिंक मैंने अपना सब बता दिया है आपको इससे रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन है जयंत कुमार जी का, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, हाउ कैन आई फाइंड माई गोल थ्रू मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन के द्वारा अपने गोल को कैसे अचीव कर सकता हूँ। मेडिटेशन ही एक माध्यम है जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मेडिटेशन करने का तरीका हमने आपको समय समय पर बताया कि कैसे इसे करते रहें। इसके लिए आप अपने गोल को लिख लें, एक जगह पर लिख लें। गोल, हम भीख मांगते हैं अपने गोल की, हे भगवान हमको ऐसा बना देना, हे भगवान हमको ऐसा चाहिए। ऐसा ना करें, गोल को थर्ड आई से जस्ट देखते रहना, गोल के प्रति अपना कंसर्न रखना, गोल के प्रति अपने लिए एफिर्मेशंस चैंट करना, चाहे वो गोल आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए हो, चाहे वो गोल आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए हो, चाहे वो गोल आपके रिलेशनशिप के लिए हो, पर एक ही गोल एक समय पर निर्धारित करें। आप और उसके पीछे लग जाएं, पीछे लगना जैसा, आंखें बंद करें, कुछ देर ध्यान में जाएं। ध्यान में कैसे जाते हैं हमने आपको बताया। सबसे पहले अपनी सांस को देखने की कोशिश करें, मन को शांत करें, गहरी सांस लें छोड़ें, फिर सामान्य सांस को देखते जाएं। जब शरीर थीटा स्टेज में हो, मतलब अल्फा स्टेज में तो पहुंच ही जाएगा जब आप ब्रेथ पे ध्यान लगाते हैं, और जब आपका स्टेज थोड़ा और गहरा हो जाए, विचार सब तरफ से हट जाएं, तो जो आपका लक्ष्य है उसे देखें और उसके लिए नए assumptions डिज़ाइन करें, और गोल को जस्ट पूरा होता हुआ विजुलाइज करें, और वो आपको न सिर्फ आत्मविश्वास से भर देगा, आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। और कभी कभी उस समय पर जब आप ध्यान साधना में ऐसा देखते हैं कि आपका गोल पूरा हो रहा है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, सुनाई पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि वो अवचेतन मन की स्थिति पे आप होते हैं, तो आप उसे एक्ट और अच्छा बेहतर कर पाते हैं अपने जीवन को, और डर नहीं रहता आपके जीवन में। तो इसको ज़रूर करें, और इसी प्रकार एफिर्मेशन कर देते हुए, एफिर्मेशन हमने आपको सिखाए कि कैसे अपने आप को कमांड्स देते हैं, और इस तरह के अपने खुद के कमांड्स लिखें और उन पर मेडिटेट करें। दिन में 3 बार उतना करें, क्योंकि जब आपकी इच्छा की बात होगी ना, जैसे किसी को पैसे चाहिए और हम उसे कहें कि आप ऐसे इमेजिन करो इतना इतना पैसा इतने दिनों में आ रहा है जितना आपको चाहिए, तो आपका मन लगेगा अगर वो देखने को कहें। और आपका इंटरेस्ट, आपको दिक्कत पैसे की है, या आपको एक रोटी खाने को नहीं मिल रही है, और हम कहें कि नहीं आप बिल्कुल शांत एक भी विचार शून्य होकर बैठे रहें, ये पॉसिबल नहीं बहुत दिनों, बहुत टाइम तक के लिए। साधना पहले उस चीज़ के लिए की जाए जिसके लिए मन विचलित है, तो मन शांत हो जाएगा, और मन को शांत करना मेरी समझ से सबसे बड़ी कला है, और उसी में रमे रहना। तो रमे रहना, जो चीज़ हमारे लिए तकलीफ देह है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हम इस फिजिकल बॉडी में फिजिकल बिहेवियर फॉलो करते हैं। तो हमारी समझ से साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए सबसे उपयुक्त है जो आपका लक्ष्य है, जो आपको विचलित करता है, जो आपको परेशान करता है, उसके लिए गोल्स बनाएं, उसे विजुलाइज करें, उसके पीछे लग जाएं, और उसके प्रति मेडिटेट करें, उसके लिए मेडिटेट करें। और मेडिटेशन के स्टेप्स हमने आपको बता दिए हैं, अभी 5 सेशंस बाकी हैं, उनमें भी मैं कुछ नए नए कॉन्सेप्ट जो मुझे लगते हैं वो हम आपको गाइड करते रहेंगे। एक रमेश जी हैं, अगर वो हैं लाइव
शायद हैं, उन्होंने कहा, पूछा है, मेडिटेशन के टाइम पर जर्क क्यों महसूस होता है? जब आप ध्यान साधना करते हैं तो जब आप सीधे बैठते हैं तो आपकी नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, हमारी इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और मन अवचेतन की स्थिति पर होता है। जब मन अवचेतन की स्थिति पर होता है तो हम फिजिकल बॉडी से अनअवेयर होते हैं और हमने फिजिकल बॉडी को बिठा रखा है तो वो कभी कभी अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करती है और ऐसे लगता है कि हम गिर जाएंगे, क्योंकि हम अवेकन स्टेज में हैं, स्लीप की गहरी अवस्था में हैं, तो इसलिए हमको ऐसा महसूस होता है कि हमें जर्क लग रहा है। अब एक क्वेश्चन और है जयंत कुमार जी का ही, विच टाइप ऑफ डाइट हेल्पफुल इन डायबिटीज, डायबिटीज में कैसी डाइट लेनी चाहिए, डायबिटीज में लो कार्बोहाइड्रेट और मॉडरेट प्रोटीन रिकमेंड करती हूँ। लो कार्बोहाइड्रेट और मॉडरेट प्रोटीन, अब लो कार्बोहाइड्रेट हम लेने के लिए क्या करें, प्रोटीन भी बढ़ाना है तो प्रोटीन ऐसा प्रोटीन हो जो हमारे शरीर में सुपाच्य हो सके। अगर एजिंग के साथ साथ ही डायबिटीज़ होती है मोस्टली, तो अगर डायबिटीज़ है और हम दालों को बढ़ाते हैं, कुक्ड दाल, कुकर में प्रेशर की कुक की हुई चने और अरहर की दाल, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी उतना वर्क नहीं करती उसको हजम करने के लिए। बेसिक सी बात ये है कि अगर बच्चों को आप खिलाएंगे तो वो वर्कआउट करके उसको पूरे दिन कूदते फांदते रहते हैं तो उसको वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। जो लेबर क्लास आदमी, मजदूर, शारीरिक श्रम करता है वो उसे हजम कर सकता है, पर आजकल की कंडीशन में जहाँ पर हम मेंटल वर्क करते हैं, सिर्फ फिजिकल वर्क जीरो के बराबर है, अरहर की दाल नहीं हजम होती और ये हाई प्रोटीन डाइट हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के फॉर्म में क्रिस्टल्स के रूप में जोड़ों में जमा होती है, जो हमारे लिए ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का सबसे बड़ा कारण है। प्रोटीन हमारा बादाम से लिया जाए, दूध और दूध के प्रोडक्ट भी थोड़े अमाउंट में थेरेप्यूटिकली आपके लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। और सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, सारी दालों को आप सुबह अंकुरित कर लें, साबुत दालें सारी अंकुरित हो जाती हैं, आप बदल बदल के उन्हें अंकुरित खाने की आदत डालें और स्प्राउट्स के फॉर्म में उनको लें तो सबसे बेहतर है। दूसरा जो डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छा हम रिकमेंड करते हैं वो है आपका मट्ठा। मट्ठा थेरेप्यूटिकली बहुत अच्छा है, पतला मट्ठा छाँछ के तौर पर दिन में 2 बार उसको लिया जाए। उसके बाद हम या वेजिटेबल सूप दिन में 2 बार रिकमेंड करते हैं। दिन में 2 बार आपका मट्ठे का सेवन हो गया, दिन में 2 बार आपका जिसमें टमाटर ज़्यादा है सूप हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, आपने उसको सलाद खिला दिया और 2 बार आपने जो फल पसंद है वो खिला दिया। बहुत ज़्यादा उसको खाना देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉडी ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं कर पा रही है, और अगर आप उसको खिलाते हैं दोपहर में रोटी तो उसको टहला दीजिए खूब, और 2 कटोरी सब्जी सुबह खिलाइए, 2 कटोरी सब्जी शाम को खिलाइए, अगर ज़रूरत पड़े तो अंकुरित अनाज शाम को फिर से खिलाइए। तो ये तो है डायबिटिक का डाइट प्लान, जो कि डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, पेशेंट की उम्र, पेशेंट का टेस्ट, पेशेंट का बिहेवियर डिपेंड करता है कि वो कैसे महसूस करें। एक और क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करूंगी, बाकी आप लोगों में से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं इस तरह से आया, जो लोग पहले भेज चुके थे ये मैंने जवाब दिए हैं, आप इस पर टाइप कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है। एक और क्वेश्चन है कि माता जी किसी की, उन्होंने फोटो भी भेजी, वो 80 साल के ऊपर हैं, 80 साल से भी ज़्यादा के, ऑन बेड हैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, और उन्होंने उनके लिए मेरे से डाइट पूछी। मैंने उनको कहा
कि आप वो कुछ भी नहीं खा पा रही हैं, और इसके लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप रिक्वेस्ट करके हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए तो इनको ग्लूकोज या ड्रिप चढ़वा दिया जाए। मैंने उनकी स्थिति देख करके कहा कि अगर वो मेरी माँ होती तो मैं इस कंडीशन में तो मैं उन्हें घर पे रह के प्राकृतिक तरीके से उनकी सेवा करना ज़्यादा अच्छा समझती। ये आपके ऊपर है कि आप मेरी एडवाइस मानते हैं या नहीं, पर मैंने उनको ठंडे टॉवल की पट्टियाँ, थोड़ी जगह प्रेशर देना, थोड़ी जगह और सिकाइयाँ, इस तरह से एक पूरा प्लान उनको बना कर दिया और उनको बोला कि आप सिर्फ इन्हें जूसेस पे रखिए। कुछ भी उनके गले से नीचे नहीं जा रहा था, तो मैंने उनको फलों का रस चम्मच से हर एक घंटे में डालने को कहा, और ड्राई फ्रूट्स भिगो दीजिए धो करके और उनके पानी को पिलाने को कहा। और बहुत ज़्यादा लूज मोशंस थे, उसमें कमी आई है, और जो बिल्कुल भी वो नहीं खा रही थी थोड़ी चैतन्यता आई है। ये बात समझनी पड़ेगी कि ड्रिप चढ़वा के बहुत सारा इस उम्र में दवाओं का प्रेशर डाल के क्या कर रहे हैं हम सब, किसके जीवन को रोक रहे हैं। और जो व्यक्ति बर्दाश्त कर रहा है वो कॉन्शियस भी नहीं है, वो आपको पहचान भी नहीं रहा है, क्योंकि उसके लिए परम सौभाग्य ये नहीं है कि आप उसके सामने बैठे हैं। उसके लिए उसके दर्द से मुक्ति उसका परम सौभाग्य है। जो दवाएं इंजेक्शन इनसे नहीं मिल सकता, पर आपको इसके ऊपर सोचना होगा, अपनी दृष्टि को बदलना होगा, तभी फायदा संभव है। क्योंकि यह मेरे अंदर का जितना विश्वास है उतना आपके अंदर जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपको प्राकृतिक चिकित्सा फायदा करने लगेगी, और उस दिन आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट संडे अगेन हम इस क्वेश्चन आवर राउंड के साथ मिलेंगे आपको। तब तक आप हमें मैसेज, मेल या हमारे ब्लॉग पे कहीं पे भी क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, और हम आपके आंसर्स देंगे, और हमें लग रहा है कि हम आपको सेटिस्फाइड कर पाते हैं। बाकी 5 days हमारे मेडिटेशन प्रोग्राम 5 बजे रहेंगे आपके साथ, हम मिलते रहेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।